छत्तीसगढ़ के भिलाई कैंप के रविदास नगर स्थित अटल उद्यान में रविवार को जमकर बवाल हुआ। यहां अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जानी थी। सांसद विजय बघेल भी पहुंच गए थे, तभी कांग्रेसियों ने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेसी पार्षद का कहना था कि अटल उद्यान में उन्होंने बच्चों के लिए झूला लगाने का प्रस्ताव निगम में दिया है। प्रतिमा लगाने से बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं बचेगी। विरोध इतना बढ़ा कि स्थिति कांग्रेस वर्सेस भाजपा वाली हो गई। शुरू में छावनी थाने का बल ही मौके पर मौजूद था। सांसद विजय बघेल के पहुंचते ही भाजपा के लोग भी बड़ी संख्या में अटल उद्यान पहुंच गए। इधर कांग्रेसी पार्षद मन्नान गुफार खान के समर्थन में भी भीड़ जुटने लगी। दोनों पक्षों में हाथापाई व धक्का मुक्की की नौबत आ गई। बाद में अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस ने अटल उद्यान से 200 मीटर दूर तक प्रतिबंधित एरिया घोषित कर दिया। पुलिस ने विरोध कर रहे कांग्रेसी पार्षद तथा मोहल्ले के लोगों को जवाहर मार्केट के तरफ भेज दिया। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। स्थिति लाठीचार्ज की आ गई थी, पर पुलिस ने संयम से काम लिया। मोहल्ला बिगड़े इसलिए दोनों पक्षों को लगातार समझाइश दी जा रही थी। कांग्रेसियों तथा मोहल्ले वालों के विरोध को देखते हुए सांसद विजय बघेल भी वहीं जमकर बैठ गए। उन्होंने अपना सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। शाम 4:30 बजे अटल उद्यान में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जा सकी। आयोजक समिति के सदस्य राजेश सिंह का कहना कि जब से अटल उद्यान बना है तब से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हमने साल भर पहले से अटल बिहारी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की थी। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, उसके बाद भी कांग्रेसियों द्वारा विरोध किया जाना भारत रत्न अटल जी का अपमान है। वहीं पार्षद मन्नान खान ने कहा कि उनके द्वारा इस उद्यान में बच्चों के लिए झूला लगवाने की योजना है। बच्चों के खेलने के लिए यहां जगह नहीं है। प्रतिमा लगाए जाने से जगह ही नहीं बचेगी। इस जगह की राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हमारे द्वारा विरोध किया गया और विरोध जारी रहेगा। है ना बहुत।